हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे? सब बढ़िया, सब मजे में? अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपने मेरे को पहले वीडियो तो बहुत सारे बनाते हुए देखा होगा। आपने आपने पतंग बनाने से लेकर पतंग उड़ाने से लेकर के जगह जगह जाके पतंग उड़ाने से लेकर के पेच लड़ाने से लेकर के तरह तरह के वीडियो आपने मेरे देखे होंगे। लेकिन बच्चों, आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि आज मेरा ये वीडियो आप पूरा देखो, और पूरा इसलिए देखो क्योंकि ये जो है वीडियो हमारे काम के लिए है। मैं बच्चों के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छा बच्चों, आप जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप लोग चाइनीज़ पंजा क्यों यूज़ करना चाहते हो, तो ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि अंकल चाइनीज़ पंजा बहुत सस्ता पड़ता है और सारी पतंगों को काट देता है। और बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ, चाइनीज़ पंजा आपको ना तो सस्ता पड़ता है ना सारी पतंग काट सकता है। जो ओरिजिनल चाइनीज़ मंजा था, जो 2006 से लेकर 2012 या 2013 तक भी इंडिया में आया है, वो ओरिजिनल चाइनीज़ मंजा तो वाकई में बहुत डेंजरस था। लेकिन उसके बाद से जो चाइनीज़ मंजा बना है वो चाइनीज़ मंजा के नाम से इंडिया में ही बना है। लेकिन मैं थैंक्स टू NGT कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने चाइनीज़ मंजा को 16 अगस्त 2016 में पूरी तरह से इंडिया में बंद कर दिया, पूरी तरह से बैन लगा दिया। मैं उस चीज़ के लिए NGT को थैंक्स बोलना चाहूँगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने पहल करके इसको टोटली इंडिया से बंद कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बात अभी भी है बच्चों कि काफ़ी बच्चों के पास, क्योंकि ये मंजा इतने बड़े तादाद में इंडिया में आया था 2006 से लेकर 2012 तक, अभी भी काफ़ी बच्चों के पास ये मंजा जो ओरिजिनल वाला चाइनीज़ मंजा है वो अभी भी काफ़ी बच्चों के पास बचा हुआ है। वो बच्चों, आपको एक बात बता दूँ, वो चाइनीज़ मंजा इतना डेंजरस था। अब मैं आपको एक कुछ चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग देखो और बहुत ध्यान से देखो। बच्चों देखो, मेरे पास ये लोहे के वेट लिफ्टिंग के दो वेट हैं। ये लोहे के हैं, प्लास्टिक या रबड़ के नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये लोहे के हैं और बहुत भारी है, और एक एक जो है पाँच पाँच किलो के हैं। ये 5-5 किलो के हैं, 10 किलो के दो हैं। अभी मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ, वो आप ध्यान से देखना। बच्चों ये चाइनीज मंजा है, और ये कितना खतरनाक होता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ, और मुझे मालूम है काफी बच्चों के पास ये बचा हुआ है। ये देखो बच्चों, ये 10 किलो इसने उठा लिया। ये बच्चों लोहे के बाट हैं, प्लास्टिक के रबड़ के नहीं है। ये वेट लिफ्टिंग से खोल करके, मैंने अपने वेट लिफ्टिंग में से खोल करके ये वेट निकाल करके लगाया है, और ये 5-5 किलो के एक है, 10 किलो दो के हैं। अब बच्चों मैं आपको इंडियन मांझा दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा इंडियन मांझा है ये बरेली के बहुत अच्छे कारीगर का बना हुआ है, और ये मांझा जो है 1-2-3 है। इससे मैं अब एक बाट उठाने की कोशिश करता हूँ। उसने तो दो बाट उठा दी, आपने देखा। इससे मैं एक बाट उठाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बच्चों ये एक बाट भी नहीं उठा पाया। नीचे मैंने इसीलिए मोटा कपड़ा बिछा दिया है ताकि अगर ये टूट करके गिरे तो ये हमारे फर्श को ना तोड़े। मैं फिर से इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, नहीं उठा पा रहा है बच्चों। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ इसको उठाने की। बच्चों ये नहीं उठा पा रहा हमारा इंडियन मांझा, इसको नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये है कि इंडियन मांझा जो बना था वो पतंगों के हिसाब से ही बना था और पतंगों के लिए बना था। एक पतंग का वजन, जो हम लोग पतंग अपने छतों से उड़ाते हैं, त्योहारों पे उड़ाते हैं, एक पतंग का वजन बच्चों होता है मुश्किल से 15 से 25 ग्राम तक होता है। तो एक 15 से 25 ग्राम के पतंग को उड़ाने के लिए जो ये मंझा का वजन जो सह सकता है वो बिल्कुल ठीक बना था, वो बिल्कुल आइडियल बना था। और आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर हर त्योहार के अंदर पतंग उड़ाई जाती है, रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, चाहे आपका सरस्वती पूजा हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे आपका मकर संक्रांति हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे अक्षय तृतीया हो। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर त्यौहार में पतंग उड़ाई जाती है,
और ये सैकड़ों सालों से उड़ाया जाता है, आज से नहीं, आजकल से नहीं, जब चाइनीज मंजय का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पतंग उड़ाई जाती है। और एक पतंग के लिए जो ये हमारी पतंगें होती हैं, इस तरह की पतंगें, या इस पतंग के लिए ये मांझा बिल्कुल आइडियल होता है। ये मांझा जो होता है एक पतंग के भार को सहने के लिए बहुत है, और अगर पतंग कट करके सड़क पे कहीं गिरेगा या फ्लाईओवर के ऊपर कहीं गिरेगा तो जो हमारा भाई टू व्हीलर पे जा रहा है, अपना मोटरसाइकिल स्कूटर पे जा रहा है, या आपका स्कूटी पे जा रहा है, आजकल लेडीज लोग भी बहुत स्कूटी चला रहे हैं, तो उनको क्या है कि अगर उनके गले में ये मांझा पतंग कटने के बाद सड़क पे गिरे या फ्लाईओवर के ऊपर गिरे तो अगर उनके गले पे भी लग जाएगा तो ये टूट जाएगा। ये मांझा जो है आपका इजीली टूट जाएगा, लेकिन जो आपका ये मांझा है, आपका जो ओरिजिनल आपका चाइनीज मांझा, ये नहीं टूटेगा। अभी मैंने आपकी आंख के सामने 10 किलो वजन इससे उठा के दिखा दिया, और मैं इसको हाथ से भी खींच के नहीं तोड़ सकता, अगर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा ये मेरी उंगलियों को काट देगा। इसलिए बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस मांझे को यूज़ मत करिए, जिनके पास भी बचा हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है, अब ये मांझा इंडिया में नहीं आता चाइना से, लेकिन मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि अभी भी काफ़ी बच्चों के पास ये मांझा बचा हुआ है, क्योंकि ये मांझा इतने बड़े क्वांटिटी में इंडिया में आया था कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और अभी ये कई सालों तक इंडिया में रहेगा। लेकिन मैं बच्चों से ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके घर में इस तरह का मांझा है जो प्लास्टिक का है और बहुत मांझा मजबूत मांझा है, तो उसको आप लोग प्लीज़ इस तरह से कैंची लीजिए और उसको जो उस चरखी में से निकाल करके, उसको चरखी में से निकाल करके इस तरह से कैंची से काट काट करके उसको अलग कर दीजिए, इस तरह से काट करके अलग कर दीजिए और इसको कूड़ेदान में सीधा ले जा करके फेंकिए। अच्छा बच्चों, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि कोई भी इंडियन मांझा चाइनीज मांझे को, चाइनीज ओरिजिनल मांझे को काट नहीं सकता, बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, और मैंने इस चीज़ को देखा भी है कि कोई भी कितना भी अच्छा इंडियन मांझा होगा ना, वो चाइनीज मांझे को कभी भी नहीं काट पाएगा। जो चाइनीज ओरिजिनल मांझा आया था 2006 से 2012 तक जो इंडिया में इम्पोर्ट हुआ था, बिल्कुल भी मैं सहमत हूँ। लेकिन आप बच्चों, फिर भी आपकी पतंग तो कट जाती है, आपकी पतंग क्यों कट जाती है? क्योंकि जब सोनू चाइनीज मांझा यूज़ करेगा तो मोनू पीछे नहीं रहेगा, मोनू भी यूज़ करेगा, और मोनू यूज़ करेगा तो संजय भी यूज़ करेगा, विक्रम भी यूज़ करेगा, और जब विक्रम यूज़ करेगा तो दूसरे बच्चे भी यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब असलम यूज़ करेगा तो अनवार भी यूज़ करेगा, अनवार यूज़ करेगा तो सुलेमान भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी यूज़ करेगा, वाहिद भी यूज़ करेगा, साजिद भी यूज़ करेगा, गुरपाल भी यूज़ करेगा तो हरपाल भी यूज़ करेगा, पीटर भी यूज़ करेगा तो डेविड भी यूज़ करेगा, सारा के सारा हिंदुस्तान यूज़ करने लग जाएगा। तो बच्चों आप पतंग कैसे काटोगे? जब सभी लोग इंडियन मांझे को छोड़ के चाइनीज मांझा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी पतंग तो कटेगी, आप तो बेवकूफ़ बन गए ना चाइनीज मांझा यूज़ करके। और रही बात बच्चों, ये सस्ता पड़ता नहीं है, क्योंकि जब आपकी पतंग आसमान में कट जाती है, चाइनीज मांझे की बात बता रहा हूँ, जब आपकी पतंग आसमान में कट जाती है और आप जब उसको डोर को वापस खींचते हो, सारा के सारा गुंजन बन जाता है बच्चों, इस तरह से गुंजन बन जाता है, वो मांझा किसी काम का नहीं रह जाता है। हमारा इंडियन मांझा तो फिर भी आप लपेट लोगे, चाइनीज मांझा 300 रुपये का आएगा, इंडियन मांझा 600 रुपये का, लेकिन इंडियन मांझा जो है आप फिर दोबारा लपेट करके इसको यूज़ कर लोगे, लेकिन चाइनीज मांझा आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे, ये तो आपका ख़राब हो जाएगा एक बार के बाद ही। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। चाइनीज मांझा प्लीज़ अगर आपके घर पे बचा हुआ है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसको तोड़ फोड़ करके फेंक दीजिए, उसको प्लीज़ यूज़ मत करिए। उससे क्या होगा कि जिस समय हम लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं तो हमारे परिवार के लोग सड़क के ऊपर स्कूटर मोटरसाइकिल से काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, आपके भाई, आपके पिताजी, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर्स, आपका फ्रेंड, कोई ना कोई सड़क पे होता है जिस समय अभी हम लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं छतों पे, और उस समय कोई ना कोई होता है तो वो इस चाइनीज मांझे का शिकार हो जाता है बच्चों। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग चाइनीज मांझे को यूज़ मत करिए और इंडियन मांझा यूज़ करिए। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। अच्छा बच्चों, मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग क्लब में पतंग उड़ाते हैं, मैंने पिछले 20 साल तक क्लब में पतंग उड़ाई है, लेकिन क्लबों के अंदर चाइनीज मांझा यूज़ नहीं किया जाता है। चाइनीज मांझा तो आप बात छोड़ दी, चाइनीज मांझा तो बहुत दूर की बात है, पांडा भी यूज़ नहीं किया जाता है क्लबों के अंदर। इस तरह की मांझे 1, 2, 3
वन टू थ्री यानी तीन धागों वाला मांझा ही यूज़ किया जाता है, उसके अलावा क्लबों के अंदर कोई भी मांझा यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कोई क्लब का मेंबर चोरी छुपे भी चाइनीज मांझा उड़ाने की कोशिश करेगा और अगर वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर क्लब के, जैसे हमारा दिल्ली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, जो दिल्ली काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो उसके ऊपर फाइन कर देते हैं और फाइन कम से कम 5,000 रुपये का फाइन होता है और उसको, उस प्लेयर को भी बैन कर दिया जाता है कम से कम 6 महीने के लिए, वो क्लब के अंदर एंट्री नहीं होगी, किसी भी क्लब में एंट्री नहीं होगी। तो ये बच्चों जो इस तरह की पतंग उड़ाई जाती है, जो त्योहारों में पतंग उड़ती है वहीं पे ही चाइनीज मांझा यूज़ होता है, जो छतों पे पतंग उड़ती है उसमें ही चाइनीज मांझा यूज़ होता है। किसी भी क्लब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्लब्स हैं, 2000 से ज़्यादा क्लब्स हैं इंडिया में, सब के सब क्लब वाले चाइनीज मांझा यूज़ नहीं करते। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।